हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्री सैन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, कल आज के एनालिसिस में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज बैंक निफ्टी ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है, नीचे आने के नहीं है। और अगर नीचे आता भी है तो उतना नीचे नहीं आएगा जितना हम सोचते हैं, क्योंकि बेरिशनेस मुझे कल कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी में। और आज हुआ वही 230 पॉइंट से बैंक निफ्टी ऊपर मतलब गैप अप हुआ, और बाद में उसमें एक स्लाइटली धीरे 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 नीचे की रैली दिखाई दी। यहाँ पर हम एक अच्छा खासा पुट भी बाय कर लेते तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें हो सकता था। तो दोस्तों, अब कल हम यहाँ पे देखेंगे कि कल तो जैकपॉट ट्रेड कहाँ पे बन सकता है, या फिर कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन कल हमें यहाँ पे किस तरह का एक चांस मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम ट्रेड कर सकें। लेकिन मैं तो हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूँ कि हमें वेनसडे और एक्सपायरी का दिन थर्सडे के बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, ऑप्शंस में किसी भी स्टॉक में भी नहीं लेना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि होता ये है कि उस वक्त आपका एनालिसिस कितना भी सही हो लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम मेल्टिंग के स्पीड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस सिचुएशन में अगर आपने यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे पुट ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे पुट ले लिया और बहुत तेज़ी से भी मार्केट नीचे आता है तो भी आपके प्रीमियम मेल्ट होने के कारण आपको वहाँ पे फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क लेने से बेहतर मैं ये समझता हूँ कि हम सिर्फ फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को ही ट्रेड करेंगे, रेगुलर ट्रेड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स भी डाला है, और साथ ही में कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप अलग अलग चार्ट देखिए, सीखिए, तो आप भी एक अच्छे तरह से टेक्निकल एनालिसिस मेरी तरह कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मार्केट ने एक मैंने जैसे कल कहा था कि हमें ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट बैंक निफ्टी नहीं दिखाई देगा, वह बस वही हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ लेवल्स यहाँ पे, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे जो मैं ब्लॉक्स खींचता रहता हूँ वो उन ब्लॉक्स के बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी तो ये ब्लॉक है हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, और यहाँ पर जो है हमारे लिए बना है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। अब कल अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी खुल जाएगा, ठीक है, इसके बीच में अगर खुल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि कल पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकेगा, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा या पर साइडवेज रहेगा। और अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर वाली बैंक की रैली दिखाई देगी, मतलब 40,650 को क्रॉस करके 40,700 के ऊपर अगर चला जाएगा तो आपको 41,000 तक की रैली दिखाएगी, और यहीं पे आपका जैकपॉट ट्रेड बन सकता है, ठीक है। नीचे जाने के चांसेस आज भी मुझे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा बहुत बेरिशनेस दिखाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, नीचे की तरफ ज़्यादा पोजीशंस है भी नहीं है, ठीक है। तो अगर नीचे भी जा रहा है तो यहाँ पे जैकपॉट ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा वहाँ पे आप एक नॉमिनल कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो पुट में। और लेकिन ऊपर अगर ब्रेक कर देता है इस लेवल को तो आपको ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि एक्चुअली तो मैं तो एक्सपायरी के दिन कुछ ट्रेड वगैरह देता नहीं हूँ, लेकिन आज सिर्फ इन लेवल्स को बताने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों,
अगर आपको कोई भी दिक्कत है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। और अगर आप मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया है ये सब हर रोज़ के हर रोज़ ऑब्ज़र्व करते हो ठीक है, और हर रोज़ के हर रोज़ मेरे वीडियोस देखते हो, बिल्कुल स्किप ना करते हो, तो आप एक अच्छे तरह से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, साइकोलॉजिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, इसमें आप भी एक अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस कर सकोगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी इस वीडियो की लिंक आप तक जल्दी से जल्द पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।